नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यदि आप सब ठीक होंगे, 3 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपना माइक चेंज किया है एज़ पर दी कॉमेंट्स जो मुझे मिल रहे थे। प्लीज़ आप मुझे कंफर्म करिए कि अगर ये माइक ठीक है कि नहीं, नहीं है तो फिर मैं कोई दूसरा माइक भी चेंज कर लूँगा। दोस्तों, और एक चीज़, मुझे एक कॉमेंट पढ़ने में मिला कि लोग जो है एडिटोरियल का एनालिसिस चाह रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बट एडिटोरियल में आपको बताना चाहूँगा, ऑफ कोर्स व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बट उसे कवर करना ऐसा है कि न्यूज़ को ही कवर करना होगा। बट फिर भी आप अपना व्यू पॉइंट बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कई लोगों की रिक्वायरमेंट आएंगे तो हम उसको टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्टर 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम अक्टूबर। फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने कन्फर्म कर ही दिया कि हम जो है 28% के आसपास गेमिंग पे GST लगाएंगे। इंडस्ट्रीज़ का कहना था कि भाई पहले क्या होता था कि गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल में आपका 18% GST लगता था, गेम ऑफ चांस में आपका 28% लगता था। अब उन्होंने सबको बराबर कर दिया, गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, आपका 28% GST लगेगा। एक रिलीफ दिया गया है पहले से इस स्कीम में लाने में कि भाई टैक्स ओनली ऑन मनी डिपॉजिटेड बाई प्लेयर्स, नॉट ऑन रीडिप्लॉयड विनिंग्स। पहले क्या हो रहा था, जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो इंडस्ट्रीज़ का ये कहना था, शायद क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई थी, तो शायद जब आप कोई मनी लगाते हो, जैसे सपोज अगर आप 1,000 रुपये लगाया आपने और आप 500 रुपये जीत गए, आप वापस से 1,500 रुपये डिप्लॉय करें, तो पहले 1,000 में तो आपको लगेगा ही टैक्स, फिर बाद में 1,500 लोगों को तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा, फिर अगर आप मान लो 1,500 से 10,000 बनाते हो तो 10,000 वापस से लगाओगे तो उसमें भी टैक्स लगेगा। तो इससे क्या है, एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, दूसरा चीज़ ये हो रहा है कि इंडस्ट्री ये चीज़ कह रहा है कि भाई ये तो विनिंग से विनिंग अगर आप डिप्लॉय करके ऐसे टैक्स कराओगे तो फिर ऐसे तो हमारा गेमिंग इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों का ये भी चीज़ था कि जो है ये सब प्लेटफॉर्म को छोड़ के, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को छोड़ के लोग जो है अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे अगर इतना टैक्स लगाओगे आप, तो उसका डर तो अभी भी है। एक डाउट जो था, जो इंडस्ट्री और एक जो बोल रहे थे ज़्यादातर, कि भाई इससे क्या होगा, जो गेमर्स रहते हैं उनको अगर खेलना रहे, यानी कि जो ये सब ऐप्स यूज़ करते हैं उनको अगर खेलना रहे तो वो कोई फॉरेन ऐप्स के पास चले जाएंगे। अब फॉरेन ऐप्स के पास जब जाएंगे दोस्तों, तो उनको पेमेंट कैसे होगा? ठीक है, फॉरेन ऐप से अगर आप UPI पेमेंट करते हो तो आपका ट्रेसेबल रहेगा, वो टैक्स रहेगा। अगर आप क्रिप्टो के थ्रू करते हो पेमेंट तो भी आपको VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम टैक्स लगाएंगे। तो अब फॉरेन हो या डोमेस्टिक दोनों को बराबर कर दिया है, बट अभी भी लीगल वर्सेस इलीगल को बराबर नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। तो उस पर तो देखिए, आप इलीगल तो क्रैक डाउन तो करेंगे धीरे धीरे करके, बट अभी के लिए फिलहाल यही आपका प्रोविजन है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, US सोवरेन क्रेडिट रेटिंग टू कट टू AA+। देखिए, इंडाइसेस जो है 1% के आसपास गिर गई थर्सडे को, क्योंकि क्या हुआ, सॉरी वेंसडे को गिरी, क्योंकि क्या हुआ कि फेड का जो रेटिंग है ना, फिच के द्वारा जो रेटिंग रहता है, फिच का सबसे टॉप रेटिंग रहता है AA, मतलब AAA, फिच ने उसे गिरा के AA+ कर दिया, फिर उसके नीचे होता AA, फिर AA-, तो अभी क्या किया, फिच ने उसे गिरा के AAA को AA+ कर दिया। तो अब जो है ये बोला जाता है, यार वर्ल्ड का तो मतलब दी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबल लीडर है, 25 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और मतलब सॉरी 25 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं है, 25.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। फिर उसके बाद दिया गया है कि भाई क्या, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच ड्रोव दिस रेटिंग डाउन टू AA+। सो द मेजर फैक्टर दैट वाज साइटेड बाय फिच वाज डिटोरिएशन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड अ डिक्लाइन इन गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एज अ रीजन ऑफ फॉर द डाउन ग्रेड। तो डिटोरिएशन ऑफ गवर्नेंस के ऊपर एक ब्लेम किया गया। फिर उसके बाद ये भी चीज़ बोला गया कि इट हैज़ हैविली बिकम ब्लोटेड डेट स्ट्रक्चर, इट हैज़ द स्ट्रक्चर, द डेट स्ट्रक्चर हैज़ बिकम हैविली ब्लोटेड, एज इन कई सारे पेमेंट्स करने हैं, इंटरेस्ट अभी एकदम हैवी है, और गवर्नमेंट जो है लोन पे लोन लेते जा रही है, तो और आपके रिकरिंग इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद इसके कारण कई सारे इंडेक्सेस जो है गिरे हैं, FPI का सेलिंग बढ़ गया है एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में। क्यों? क्योंकि एक तो US में तो होता ही है, FPI एमर्जिंग मार्केट से भी कर लेते क्योंकि कॉन्टेजन एक इफेक्ट हो जाता है। अगेन मतलब US का इफेक्ट अभी थोड़ा US स्पेसिफिक है, तो क्या पता है कॉन्टेजन हो या ना हो, बट कई बार ऐसे इंसिडेंट जैसे कि 2008 के जो क्राइसिस है वो भी कहीं हद तक US स्पेसिफिक था, बट कई सारे इकोनॉमीज को लीड हुआ था। तो अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, FPI ने काफ़ी सेलिंग किया है इस चीज़ को लेकर इस न्यूज़ के बाद। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट में पूरे कंटेंट और ब्लॉक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म।
एक्शन फॉर रिपीट वायलेशंस, प्लेटफॉर्म विल बी बाउंड टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, मॉनिटरी पेरेंटल टाइटली। डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर गवर्नमेंट अभी काफ़ी सीरियस है। इस मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट जो है उस बिल को टेबल करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन मैंने आपको दो तीन न्यूज़ में पहले भी बताया है कि क्या क्या चीज़ कवर हो सकता है, क्या क्या चीज़ नहीं कवर हो सकता। तो एक बार मॉनसून में टेकअप कर लेने दीजिए और उनके क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है वो कवर कर लूँगा। खैर इधर का भी न्यूज़ देख लेते हैं। पहले ये क्या है कि फॉर अ सेफ इंटरनेट क्या कर रहे हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इट कैन एडवाइज टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड और होस्टेड इन एनी कंप्यूटर। सपोज मान लीजिए आपका इन्फॉर्मेशन अगर एकदम पब्लिक है तो पर्सनल डेटा आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, DGCA का जो वेबसाइट है अगर आप उसमें जाओगे तो ड्रोन के पायलट्स का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट आप एक हद तक वो सिर्फ पायलट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ हद से ज़्यादा देना चाहते हो तो फिर जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से एडवाइस लेना पड़ेगा। उसके बाद एवरी इंटरमीडिएटरी हु रिसीव सच अ डायरेक्शन शैल बाउंड टू कम्प्लाई। कोई भी ऐसा है तो वो इट शैल कम्प्लाई एंड दिस इज़ इफ़ इंटरमीडिएटरीज वायलेट रूल अंडर DPDP बिल मोर देन ट्वाइस। अगर इंटरमीडिएटरीज जो है दो बार अगर रूल को कम्प्लाई नहीं करते, एज इन एक बार आप होस्ट कर रहे हो, आपने एक बार रूल को कम्प्लाई नहीं किया, अगर वो चीज़ दोबारा किया तो फिर आपको हर काम जो है वो इंटरमीडिएटरी जो करेगा वो डायरेक्शन ऑफ बोर्ड से ही करेगा। इंटरमीडिएटरी और डेटा फिड्यूशियरी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ये तो चलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही रूल है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी लाइकली इन 1 to 2 वीक्स। देखिए ड्राफ्ट जो बिल है, ड्राफ्ट ई कॉमर्स बिल है, उसमें बोल रहा जा रहा है कि कुछ कुछ प्रोविजन जो है काफ़ी हार्श होंगे। जैसे कि फॉल बैक लाइबिलिटी का प्रोविजन है। फॉल बैक लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे अगर आप देखते होगे कभी कभी फ्लिपकार्ट में अचानक से सेल फ्लैश होता है, जो सेलर्स है वो अपना एकदम 30, 40, 50% तक या 90% तक भी कभी कभी डिस्काउंट लगा देते हैं। जब आप ऑर्डर करने जाते हो या अगर आप ऑर्डर कर भी देते हो तो फिर वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाता और रीज़न आ जाता है कि ड्यू टू सो एंड सो रीज़न, या स्टॉक ख़त्म हो गया, जो भी है, हम अब आपका ये ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आप पैसे रिफंड कर देंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि ये ई कॉमर्स बिल जो है वो ये कहेगा कि भाई नहीं, अगर फ्लिपकार्ट का कोई सेलर अगर फ्लिपकार्ट का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाया देन इट इज़ फ्लिपकार्ट लाइबिलिटी टू फुलफिल दैट ऑर्डर। तो इस केस में क्या हो गया, दैट इज़ द फॉल बैक लाइबिलिटी। अगर मान लो सेलर नहीं कर पाता तो फॉल बैक किस पे करेगा, लाइबिलिटी सेलर पे करेगा, सॉरी फ्लिपकार्ट पे करेगा। एक तो ये प्राइवेट लेबल गुड्स, प्राइवेट लेबल गुड्स क्या होता है, आप देखते होगे अमेजोन का एक आता है प्रोडक्ट, कई सारे अमेजोन के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि अमेजोन बेसिक्स हो गया। अमेज़ॉन बेसिक्स जो है अमेज़ॉन खुद से बेचेगा और पूरा लेबल लगा के बेचेगा, इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, अदर कंपनीज के डिवाइसेस जो इसके सिमिलर काम करते हैं, ठीक है। और इसको आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी सेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते अमेज़ॉन कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया और वो अपना एक सेलर बन के अमेज़ॉन बेसिक्स का जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे, तो वो भी नहीं कर सकते। इस टाइप के कुछ कुछ रूल्स हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। अगेन सब ड्राफ्ट बिल है ये सब। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रशियन वीट में शोर अप डोमेस्टिक स्टॉक। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि इंडिया में ना अभी जो वेदर का जो थोड़ा टाइमिंग जो इधर उधर हुआ है ना मानसून का, उसके कारण क्या हुआ, कई सारे प्रोडक्शन जो है अभी स्लो हो गए, कई सारे प्रोडक्शन जो है वो हुए नहीं। इसके कारण क्या हो रहा है, कई सारे एसेंशियल कंज्यूमेबल्स का शॉर्टेज आ रहा है। ऑफकोर्स शॉर्टेज है मतलब प्राइस बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जहाँ जहाँ से ये सब चीज़ें प्रोक्योर कर सके वो करना चालू करे। जैसे कि उन्होंने रशिया से वीट जो है इम्पोर्ट करना चालू कर दिया। रशिया से वीट क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो होता है वीट का इस साल बहुत कम हुआ, 2022 से भी कम हुआ, 2020 से भी कम हुआ, सॉरी 2021 से भी कम हुआ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये सब प्रोडक्शन का जो शॉर्टेजेस है इस कारण आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, उसके कारण आपका CPI भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इसको जो है इम्पोर्ट करना चालू करेगी, सो दैट इतना जो हाई प्राइसेस है वो थोड़ा कम हो जाए। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, CXOs लॉग आउट ऑफ यूनिकॉर्न्स टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स, तो स्टार्टअप ओन वेंचर्स। तो इसमें ये चीज़ है कि भाई जो भी अपने जो बड़े बड़े कंपनीज के स्टार्टअप्स के CEOs है, CXOs है, ये जब से जो है अपने अपने एक्टिव जो प्रोफेशन है या एक्टिव जो पोजिशन है एज अ CXO वो छोड़ के अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है ना, जब आप इस ये सब कंपनी में इतने अच्छे जो पोस्ट पे काम करते हो ना, तो आपको वेंचर कैपिटल और वेंचर फंड से ना काफ़ी अच्छा एक रिश्ता बन जाता है, यू नो, एक रिलेशनशिप बन जाता है, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं आपको। एंड इंडस्ट्री में मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कॉन्टैक्ट है जिसके पास सर्वाइव आराम से कर सकता है, चाहे वो कुछ भी चालू करे। तो इसी चीज़ के लिए CXOs जो है ये अपॉर्चुनिटी भी परस्यू कर रहे हैं।
होता है कई बार इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ अतरंगी से सवाल पूछना रहता है तो ये पूछ लेते हैं ये लोग कि ये जो एट्रिशन हो रहा है CX, उसका आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ का क्या रीज़न है। स्पेशली जब आप कोई लीडरशिप पोजिशन के लिए ट्राई करो तो डेफिनेटली ये सब सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, थोड़ा सा हटके है बट अगेन जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, या जिसको क्रिकेट में ज़्यादातर इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि क्रिकेट बॉडी एक्सपेक्ट्स जनरल राइट्स वैल्यू टू डबल बट ऑब्जर्वर्स पेसिमिस्टिक। देखिए क्या ये न्यूज़ बताता हूँ आपको। BCCI ने अभी ब्रॉडकास्टिंग का जो राइट्स बेचने के लिए ऑक्शन के लिए जो प्राइस निकाला दैट इज़ 12,000 करोड़, ठीक है। अब इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है, मतलब सोचिए जो स्ट्रीमिंग राइट्स है वो सिर्फ 12,000 करोड़ का है, मतलब सिर्फ एज ए स्ट्रीमिंग राइट्स 12,000 करोड़ का है, तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है ये। बट हाँ ठीक है, क्रिकेट तो हम मतलब इंडियंस के वो है तो इसके कारण तो चलता ही है, बट स्टिल कमिंग बैक टू न्यूज़ कि BCCI जो है वो 12,000 करोड़ का इस बार राइट्स निकाला। पिछले बार BCCI ने इसी को 6,000 करोड़ निकाला। ऑब्जर्वर्स का ये चीज़ कहना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 10,000 करोड़ रखना था इसका प्राइस, 12,000 करोड़ BCCI बहुत ज़्यादा रखती। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दो बड़े जो मर्जर हो रहे हैं ठीक है, उसके कारण जो है ये काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है इसका। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई दो जो बड़े कंपनीज़ हैं सोनी और जी, ये मर्जर के स्टेज में हैं। अब इसके कारण ये ना ऑक्शन पे बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ये दो तो मर्जर में बिजी है। डिज्नी ऑलरेडी अपना इंडिया विंग बेचने की कोशिश में है, अपने स्ट्रेटेजिक बायर ढूंढ रहा है, तो इसके कारण एक्सपर्ट्स बोले कि बहुत ज़्यादा इनको प्राइस मिलेगा नहीं। हाँ रिलायंस जियो भी, देखिए तीन कंपेटिटर है इसके लिए, एक तो रिलायंस जियो, एक आपका डिज्नी है और एक आपका सोनी जी है। सोनी जी का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, डिज्नी का भी बता दिया और रिलायंस जियो बचा। बहुत शॉकिंग नहीं होगा अगर रिलायंस जियो को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो। फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि भाई जी और जो आपके जो सोनी है इनका मर्जर भी जो हो रहा है इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मर्जर में, क्योंकि दो इतने बड़े हैं। हालांकि अप्रूवल देखिए सब जगह से मिल गया है, जस्ट दैट कि थोड़े और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है इनको, तो कुछ इन सब फैक्टर्स के कारण जो है डिले हो सकता है, या वो प्राइस रियलाइज ही नहीं होगा 12,000 करोड़ का। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स टेकिंग ब्रांच रूट टू एक्सपैंड डिपॉजिट बेस। जस्ट एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई HDFC जो है आप समझिए लगभग हर साल 1,500 से 2,000 ब्रांचेस ऐड करते जा रहा है। ICICI भी जो है उसने भी उनका भी टारगेट है लगभग 500 ब्रांच जो है FY24 में ऐड करते हैं। वैसे ही एक्सिस का भी मतलब टारगेट है कि 400 ब्रांचेस के आसपास एक्सपैंड करते हैं। तो ये कुछ सारे फिगर्स एक्चुअली हो क्या रहे हैं दोस्तों, देखिए बैंकिंग जो है ग्रेटर रीच के पास जा रहे हैं अब प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि प्राइवेट बैंक को समझ में आ गया है कि भाई कंज्यूमर से जितना आपको सस्ते में आपको डिपॉजिट मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर अदर सोर्सेज से लोन उठाओगे, जैसे सपोज मान लो बैंक अपना कैपिटल रेज कर रहा है कोई फंड से कोई किस से, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप अपना बेस इतना बढ़ा लो, प्राइवेट बैंक्स वगैरह सोच रहे हैं कि हमारा रीच बढ़ जाए। रीच बढ़ने से क्या होता है, एक बार डिपॉजिटर्स देखिए आप अपना बैंक अकाउंट जल्दी से चेंज नहीं करते, तो एक बार कस्टमर्स पर एक्वायर करने का कॉस्ट ही है, एक बार एक्विजिशन हो जाता है तो हम अपना ये कस्टमर्स को लॉन्ग लाइफ चलाएंगे और हमें सस्ते में भी मिल जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट और जिस जिस परसेंटेज पे लोन देते हैं उसको बोलते हैं मार्जिन। तो बैंक अपना मार्जिन जब कंज्यूमर से डिपॉजिट लेता है और कंज्यूमर को ही आपको लोन देता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन कमाता है बैंक ये दोनों ही चीज़ में। तो इसके कारण जो है डिपॉजिट सॉरी जो ब्रांचेज है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ट्राई जो है सैटकॉम स्पेक्ट्रम जो है एलोकेट करेगी या ऑक्शन करेगी, उसके बारे में तो अभी डिसीजन नहीं आया है, बट ट्राई ने ये चीज़ बोला है कि हम जो कैटेगरी वाइज सैटकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन करेंगे, एज इन कि भाई एक कैटेगरी होगा समझ लीजिए आप लो एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट का एक कैटेगरीज होगा ठीक है, फिर उसके बाद VSAT प्लेयर्स के लिए एक अलग कैटेगरी होगा, तो अलग अलग कैटेगरीज जो है स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज होगा, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ये लोग ऑप्शन करेंगे, सिवाय उसके कि एक एक पूरा बैंड ही एलोकेट करना चालू कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, गवर्नमेंट बैन सेल ऑफ टू वेटरनरी ड्रग्स। देखिए ये दो ड्रग्स क्या है इनका नाम बता देता हूँ, केटोफ्लोरिन एंड
एक्सिलिनोफिनेक, ठीक है, डाइकोफिनेक भी आपने सुना होगा, पहले जो बैन किया हुआ था, अब ये दो ड्रग्स को बैन किया गया है। तो ये सब बैन हो क्यों रहे हैं? देखिए, ये सब बैन जो हो रहे हैं वो मेनली इस कारण से हो रहे हैं कि जो आपके जो बर्ड्स रहते हैं या जो एनिमल्स रहते हैं उनको ये चीज़ का बहुत प्रॉब्लम जा रहा है। मतलब होता क्या है, जब आप ये दवाई ये किसी को फीड करते हो तो वल्चर्स वल्चर्स जो रहते हैं उस पर डेड बॉडी पे जब फीड करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। डाइक्लोफिनेक तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न था वल्चर्स के, इतने एक्सटिंक्शन का, एक्सटिंक्शन तो नहीं बोलूँगा बट इतने पॉपुलेशन जो इतने कम हो रही थी, बहुत बड़ा रीज़न था डाइक्लोफिनेक। तो अब आपने देखा होगा कि भाई गाय अगर कुछ डाइक्लोफिनेक दे देते थे वो चारा में मिला के उनके फूड में मिला के, अब नहीं देते। अब ये तो दवाई को भी कम्प्लीटली बैन करने का वो चल रहा है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों कि जो गुड़गांव है उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी वायलेंस वगैरह भी फैल रखा है रिसेंटली। इसके कारण एक एज अ स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हरियाणा में क्या इम्पैक्ट पड़ता है एज अ स्टेट, और कैसे कॉरपोरेट्स इस चीज़ को देखते हैं, तो उसके बारे में एक आर्टिकल है बट मैं आपको थोड़ा सा जिसमें बता देता हूँ ये क्या बोल रहे हैं दो आर्टिकल्स। पहले तो इन्होंने ये बोला है कि भाई कॉरपोरेट्स जो है अब थोड़ा बेंगलुरु और मुंबई ऑफिसेस करने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है। फिर उसके बाद जो है इतने जो बारिश वगैरह का जो रेन वगैरह के कारण जो हुआ था इतना डिस्टर्बेंस, उसके कारण भी कॉरपोरेट्स का काफ़ी मूड ऑफ है जो डेली गुड़गांव में हो गया था। फिर कॉरपोरेट्स जो कह रहे हैं कि भाई मतलब फूड और ई कॉमर्स बिजनेस, उनका ये कहना था कि भाई सारे रूट्स रोड सारे ब्लॉक थे, एक्सेसिबिलिटी एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी कुछ तो बारिश के कारण, जहाँ बारिश नहीं तो वहाँ वायलेंस होगा ऐसा है। तो गुड़गांव एज अ डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी हो सकता है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ के कारण अगर इमेज बढ़ता है और इस सब इंसिडेंट्स और देखने मिलते हैं तो देखिए ये इवेंचुअली शिफ्ट होगा। ये आज के नहीं, भाई आज अगर वायलेंस हुआ तो शिफ्ट हो जाएंगे, ये होगा 10 साल बाद 15 साल बाद। तो और इनके प्लेसेस लेने के लिए इन स्टेट्स को समझना चाहिए कि बहुत सारे हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है वो हो सकता है आने वाले टाइम में कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स अपने पास ले जाए। तो ऑब्वियसली जो आज मुंबई में लोकेटेड है या कोई और अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोकेटेड है वो अगर गिफ्ट सिटी में जाएंगे तो वो सब इवेंचुअली आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ट्रंप इंडिकेटेड फॉर ट्राइंग टू ओवरटेक 2020 US इलेक्शन। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है जो कि अपना मतलब प्रेसिडेंट रेस करना चाहते हैं रिपब्लिकन की तरफ से नेक्स्ट ईयर, तो वो जो है अभी थोड़े से मुसीबत में है, एज इन US में उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे। तीन जो मेजर एलिगेशंस लगे मैं आपको बताता हूँ। एक तो उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि भाई इन्होंने इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की, कि भाई इलेक्शन को गड़बड़ करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि भाई इन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बड़ा क्राइम होता है उसे लीक करना, तो उन्होंने अपने टाइम में वो भी चीज़ किया है। एंड थर्ड चीज़ इनका ये है कि भाई इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को इन्होंने ओवरथ्रो करने का भी कोशिश किया है। तो ये सारे कुछ चार्जेस के कारण अब ट्रायल चालू होंगे इनके ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर US इलेक्शन है, तो सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर US इलेक्शन है, तो ये कैसे आउटकम आता है इसका पता नहीं बट आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो सकता है इनके कैंडिडेचर पे। सॉरी दोस्तों गलती से बोल दिया, बट नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है। तो क्योंकि 2020 में होता था ऑब्वियसली 4 साल के अंदर होता तो 2024 का रहेगा। तो इसमें ये चीज़ है कि अब इनके जो कैंडिडेचर है इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। देखिए लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है US में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये अगर आते हैं तो वापस से क्लोज टक्कर देंगे जो बाइडेन को। तो ऑब्वियसली कोई भी अपोजिशन चीज़ चाहेगा नहीं ना, मतलब जो रूलिंग पार्टी उनके तो दबदबा रहता है तो वो चाहेंगे नहीं कि भाई कोई इतना स्ट्रांग अपोजिशन में भी है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पहले भी मैंने इसे कवर किया है, मेटा बिगन्स ब्लॉकिंग न्यूज़ इन कैनेडा इन रेस्पॉन्स टू न्यू लॉ। एक्चुअली देखिए हुआ क्या ना कि जो कैनेडा में जो लॉज है ना उनका ये था कि कहना कि भाई अगर आप फेसबुक मेटा जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आपके कुछ न्यूज़ आ रहे हैं एंड वो न्यूज़ से हमारे चैनल पे अगर आ रहा है तो आपको हम पे मतलब हमारे लिए कोई रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो फेसबुक मेटा आई मीन मेटा और ये गूगल वगैरह कहना था कि भाई ये तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं ना, तो फिर इसमें आपका प्लेटफॉर्म इसमें क्यों मैं रेवेन्यू शेयर करूँगा। तो इन्होंने बोल दिया नहीं, आपको तो करना तो पड़ेगा, जो भी आप वीडियोज़ वगैरह दिखाते हो तो कर्टसी वगैरह जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर शो करना पड़ेगा सो दैट लोग जो हैं और आपको रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। तो अब क्या इन्होंने क्या किया, अपने रूल को अमेंड करके मेटा ने क्या किया, गवर्नमेंट को रूल को एक थोड़े एक जगह एक तरीके से नलीफाई करने के लिए सारे
न्यूज़ ही ब्लॉक कर दिया अपने चैनल में, तो क्या कोई ना न्यूज़ देखेगा, ना लोग उस पर जाएंगे, और ना उनको रेवेन्यू शेयर करने का वो मिलेगा, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नाफ्रा अर्जेस हाई कोर्ट टू लेफ्ट स्टे ऑन 20 ऑर्डर्स अगेंस्ट IFIN एक्स ऑडिटर्स। देखिए हुआ क्या है, IL/FS फाइनेंशियल सर्विसेज के जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर केस चल रहा था, तो इनको ऑडिट से ब्लॉक कर दिया गया। नाफ्रा ने ये चीज़ बोला कि भाई ऑडिट से हम जो ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो ये ऑडिटर्स ने उनके ऊपर केस किया कि भाई नाफ्रा तो एलिजिबल ही नहीं है हमें ब्लॉक करने के लिए, ये तो ICAI डिसाइड करेगा, आप कौन हो तो हमें ब्लॉक करने वाले। तो इस चीज़ में इन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल दिया। अब हाई कोर्ट जो है अभी तक अपना डिसीजन लिया नहीं है, बट मतलब हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया, बट फाइनल डिसीजन जो है अभी तक हुआ नहीं है। तो नाफ्रा का ये चीज़ कहना है कि भाई ये तो वही बात हो गई कि किसी को लाइसेंस है नहीं गाड़ी चलाने का, और वो गाड़ी चला रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई ऐसा अथॉरिटी उसे रोक रहा है जो कि उस उतना एलिजिबल नहीं है। तो आप उसको एक आदमी को इलीगली लाइसेंस चलाने, मतलब लाइसेंस के बिना भी आप गाड़ी चलाने दे दोगे, ऐसा बात हो गया है। तो फिर अब देखते हैं इस पर क्या रहेगा, लेकिन देखिए जिसको अथॉरिटी है वही रोक सकता है, ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसका देखते हैं क्या आउटकम आएगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी अभी बन सकता है ये। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, सेंटर लॉन्चेस कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। देखिए ये क्या है ये न्यूज़, कि जो अभी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ना, उसको गवर्नमेंट क्या करिएगा, वन टाइम सेटलमेंट के लिए लेके आएंगे। जो डिस्प्यूट में हाई कोर्ट ने या कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उनका ये कहना है कि हम 85% पेमेंट पूरा निपटा देंगे। जो डिस्प्यूट का कोई आर्बिट्रेशन के थ्रू हुआ है, तो हम उसका 65% पेमेंट हटा देंगे। तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट जो अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम लेके आ रही है, तो ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लेके आती रहती है, जैसे विवाद से विश्वास तक, वो भी क्या है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तो है। तो इस टाइप का इसलिए लेके आती है, एक तो थोड़े पेंडिंग केसेस कम हो जाए, दूसरा चीज़ ये है कि भाई अब जो लोग को इसमें पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से भी चले जाए, एंड गवर्नमेंट के साथ ही ना गवर्नमेंट का सप्लाई भी बना रहे, सप्लायर्स का भरोसा रहे गवर्नमेंट पे। तो ये सब चीज़ के कारण ये सब स्कीम्स लेके आते रहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।